गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 रासायनिक आबंधन व संयोजकता में आज पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या है। तो आइए देखते हैं, किसी परमाणु के बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 है और सोडियम का बाह्य कोष तीसरा है और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक है, अतः सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक। वहीं अगर फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, तो ये 1s2, 2s2, 2p5 है और फ्लोरीन का जो बाह्य कोष है वो दूसरा है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या में 5 और 2 7 है। तो किसी भी परमाणु के बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाती है। किंतु अब ये ध्यान रखें, डी ब्लॉक के एलिमेंट में डी ब्लॉक का बाह्य कोष का विन्यास n-1d ns होता है। ध्यान से देखें तो अगर मैं स्कैंडियम ले लूं, स्कैंडियम 21, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3d1, 4s2। तो बाह्य कोष कुछ ऐसे लेंगे तो बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हम लोग लेंगे 3। समझ पा रहे होंगे आपको? तो ये हुआ संयोजकता इलेक्ट्रॉन, जो कि परमाणु के बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब आइए देखते हैं कि तत्वों का लुईस प्रतीक कैसे लिखा जाता है। जीएन लुईस ने किसी तत्व के परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करने के लिए लुईस प्रतीक बनाया, ठीक है, लुईस प्रतीक बनाया। अब इस प्रतीक में होता क्या है, किसी भी तत्व, जैसे कि मुझे सोडियम का लुईस प्रतीक लिखना है तो सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन है तो एक डॉट से मैंने यहां पे दर्शा दी। वहीं फ्लोरीन के बाह्य कोष में या संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन से दर्शा दिए। वही एल्यूमिनियम के बाह्य कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 बिंदु से दर्शा दिए। तो इलेक्ट्रॉन को डॉट से दर्शाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में प्रदर्शित करते हैं। लुईस प्रतीक में हमने क्या किया, परमाणु के ऊपर उतने ही डॉट बनाए जितने कि उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि वैद्युत संयोजन बंध या आयनिक बंध क्या होता है।
आयनिक बंध को वज्र संयोजी बंध भी कहते हैं। क्या है ये, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात कि आयनिक बंध कैसे बनता है, तो उसका उत्तर है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। क्लियर हो? अभी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कैसे होता है देखिए, जैसे कि हो गया NaCl एक आयनिक यौगिक है, इसमें Na के बाह्य कोष में एक इलेक्ट्रॉन, Cl के बाह्य कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक तत्व अपना अष्टक पूरा करने का प्रयास करता है। इसके लिए वो दो कार्य कर सकता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन का साझा करे, अब साझा करने से सहसंयोजक बंध बनता है, और दूसरा तरीका है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करे। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में दो चीजें प्रमुख हैं, एक वह स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और वह दूसरा स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो अब NaCl में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को इलेक्ट्रॉन दे देता है, इससे इलेक्ट्रॉन दाता पदार्थ पे धनावेश और संबंधित इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले स्पीसीज पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। आप देख रहे हैं कि क्लोरीन के बाह्य कोष में पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब क्लोरीन के बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, और इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 हो गया है। इसका क्रोडी इलेक्ट्रॉन विन्यास हम लोग लिख सकते हैं नियम 3s2, 3p6। ये आर्गन 18 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान है, जो कि एक अक्रिय गैस तत्व है, एक स्थायी संरचना वाला तत्व है। वहीं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6, और ये विन्यास अब नियन जैसा हो गया है। तो दोनों ही तत्व अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त कर चुके हैं, किंतु स्थायी संरचना प्राप्त करने की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है। पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसे हम लोग विद्युत धनी पदार्थ कहते हैं। ये पदार्थ मूलतः यस ब्लॉक के होते हैं, और पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं विद्युत ऋणी पदार्थ कहलाते हैं। और ये मूलतः पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, अधातु। क्लियर होगी? एक और बात हम इसमें जान सकते हैं कि धातु ही विद्युत धनी पदार्थ होते हैं और विद्युत धनी पदार्थ अधातु होते हैं। एक और बात हम समझ सकते हैं कि आयनिक बंध धनायन और ऋणायन के मध्य बनता है। क्लियर हो गया ये बात? तो हमने जाना कि आयनिक बंध क्या है। आयनिक बंध वह बंध है जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से प्राप्त होता है। उदाहरण से हम लोग इसको समझ रहे हैं, जैसे NaCl एक आयनिक यौगिक है। क्यों आयनिक यौगिक है? क्योंकि इनके इनके घटक कणों के बीच आयनिक बंध बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। पदार्थ इसमें एक पदार्थ विद्युत धनी पदार्थ होता है, ये पदार्थ मूलतः यस ब्लॉक का होता है, और ये पदार्थ धातु होता है। ऐसे गुणों को रखने वाले पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और विद्युत भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ये मूलतः पी ब्लॉक के होते हैं और इनकी प्रकृति अधात्विक होती है। तो ये रहा आयनिक बंध के बारे में एक छोटा सा परिचय। किंतु इसके अलावा भी एक और बिंदु लिखा जा सकता है कि वे दो तत्व जिनके विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जिनके विद्युत ऋणात्मकता का अंतर
2.7 या उससे अधिक होता है वही आयनिक बंध बन पाता है। क्लियर। एक और नई बात इसमें ऐड कर लेते हैं, किसी भी आयन पर उपस्थित उसका उसका आवेश जो होता है वह उसकी वैध संयोजकता कहलाता है। तो हम लोग समझेंगे कि सोडियम आयन की वैध संयोजकता 1 है और क्लोराइड आयन की विद्युत संरचना वैध संयोजकता भी -1 है। ये +1 है इसकी वैद्युत संयोजकता और इसका -1। क्लियर हो गया। अब कुछ और बातें इसमें हम लोग ऐड करते हैं। इनके क्या गुण हैं? पहला, आयनिक बंध में घटक कणों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत बल लगता है। आयनिक बंध में घटक कणों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत बल लगता है और इसका फायदा यह होता है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। यह भी बात सही है। अब एक नई बात यह ऐड करते हैं कि आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। अब ये क्यों विलेय होते हैं आइए देखते हैं। एक बार इसको नोट कर लें। हम उदाहरण ले लेते हैं जल। जल एक ध्रुवीय विलायक है। तो हम जल में एक आयनिक पदार्थ AB को घोल देते हैं, AB, जिसमें A धनायन है और B ऋणायन है। ऐसी स्थिति है, क्या होता है कि जल के अणु आयनिक क्रिस्टल को चारों ओर से घेर लेते हैं। क्लियर। और जल के अणु अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि क्रिस्टल के आवेश के ठीक विपरीत आवेश का सिरा उसके पास हो। जैसे B पर नेगेटिव चार्ज है तो जल का धनात्मक सिरा ही इसकी ओर होगा और वहीं A की ओर जल का ऋणात्मक सिरा होगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? ऐसी स्थिति में आवेशों के बीच आकर्षण से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इस निर्मुक्त ऊर्जा को हम विलायक योजन ऊर्जा कहते हैं। अगर विलायक जल है तो इसको जल योजन ऊर्जा कहेंगे। ये जो विलायक योजन ऊर्जा है वो आयनों के बीच
आयनों के बीच जो आकर्षण है, स्थिर वैद्युत आकर्षण है, उसको तोड़ देता है और तोड़ करके इनके घटक कणों को पृथक कर देता है, दूर दूर कर देता है। ऐसा करने से पदार्थ की जल में विलयता हो जाती है। पुनः एक बार इसको हम लोग दोहरा लेते हैं। हमारा प्रश्न यह था कि आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में विलय हो जाते हैं कैसे। तो ध्रुवीय विलायक में जब आयनिक यौगिक को डाला जाता है तो आयनों के चारों ओर ध्रुवीय पदार्थ एकत्रित हो जाता है, विलायक एकत्रित हो जाता है, और इस प्रकार एकत्रित होता है कि क्रिस्टल के आवेश के ठीक विपरीत आवेश का सिरा उसकी ओर होता है। जैसे अगर बी ऋणायन के पास जल का एकत्र हुआ है तो जल का धनावेशी सिरा ही इस बी ऋणायन की ओर होगा। तो जैसे ही जल के अणु और आयनिक क्रिस्टल के अणु के विपरीत आवेशी सिरे जब सम्मुख आते हैं तो ऊर्जा निर्मुख होती है, जिसे विलायक योजन ऊर्जा कहते हैं। यह विलायक योजन ऊर्जा आयनों के बीच के स्थिर वैद्युत बल को तोड़ देती है, जिससे पदार्थ विलायक में विलय हो जाता है। अब आइए देखते हैं कि सहसंयोजक बंध क्या है और वो कैसे बनता है। अभी हमारा टॉपिक है सहसंयोजी आबंध। क्लियर हो गया। अब सहसंयोजी आबंध क्या है? वह आबंध जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। लेकिन एक प्रश्न है, बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी भी हो सकता है। इसका चुनाव कैसे किया जाए कि किन पदार्थों के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी या किन पदार्थों के मध्य इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा? तो जानिए बच्चे, सहसंयोजी आबंध उन्हीं दो परमाणुओं के बीच बनता है जिनके मध्य विद्युत ऋणात्मकता का अंतर शून्य हो। क्लियर हो गया? जिनके मध्य विद्युत ऋणात्मकता का अंतर शून्य हो। ऐसा मुख्यतः तभी संभव है जब परमाणु अधातु हो या अधातु परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध बनता है। क्लियर हो गई? कैसे बनता है आइए देखते हैं। जैसे हम यहां पर क्लोरीन अणु ले रहे हैं। अब क्लोरीन अणु समान विद्युत ऋणात्मकता का है, इसका इसलिए इसके विद्युत ऋणात्मकता का अंतर शून्य होगा, तो यहां सहसंयोजक बंध बनेगा। कैसे बनाएंगे? इसके बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लिख देते हैं। अब चूंकि इसकी संयोजकता एक होती है तो यह एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। क्लियर हो गया? ऐसा करने से आप देखेंगे कि क्लोरीन परमाणु के बाह्य कोष में, प्रत्येक क्लोरीन परमाणु के बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो कुछ इसको ऐसे भी लिखा जा सकता, क्लोरीन सिंगल बॉन्डेड क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 1 3 4 5 6। इस संरचना को लुईस संरचना कहा जाता है। सम परमाणुविक अणुओं में तो समस्या नहीं है, किंतु जब विषम परमाणुविक अणु लेते हैं, बहु परमाणुविक अणु उसमें लेते हैं, तो संरचना बनाने के, संरचना लिखने के कुछ अपने नियम हैं। आइए देखते हैं वे नियम क्या हैं और उनकी सहायता से कैसे संरचना बनाया जाता है।
बहुपरमाणविक अणुओं की संरचना है। जैसे बच्चों ये देखिए, जैसे हमने CH4 ले लिया, तो प्रत्येक बहुपरमाणविक विषम परमाणविक अणुओं की संरचना जब हम बनाते हैं तो हमेशा केंद्रीय परमाणु का चुनाव करते हैं। अब कार्बन और हाइड्रोजन में केंद्रीय परमाणु कार्बन है, क्यों है? क्योंकि इसकी संयोजकता अधिक है, अधिक संयोजकता है। दूसरा, अगर सपोज करिए हमने एक कंपाउंड ले लिया कि CLF3, एक कंपाउंड ले लिया हमने। अब CLF3 में क्या है कि दोनों की संयोजकता एक ही है, दोनों की संयोजकता एक है, एक ही वर्ग के तत्व है, किंतु केंद्र में किसको रखा जाए? ऐसी स्थिति में उच्च आवर्त का तत्व ही केंद्र में रहता है। क्लियर हो गई ये चीज? तो आइए अब हम लोग उदाहरण लेकर के लुईस संरचना बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे हम CH4 ले ले रहे हैं, क्लियर हो गया? जैसे CH4, तो अधिक संयोजकता कार्बन की है, तो मैंने कार्बन को बीच में रख दिया और चार हाइड्रोजन को चार भिन्न दिशाओं में रख दिया। आप ये सोच सकते हैं कि क्यों नहीं हम कार्बन को हाइड्रोजन को ऐसे कर देते हैं, या कुछ ऐसी एक अलग व्यवस्था क्यों ना बनाते हैं? लेकिन बच्चों, प्रत्येक परमाणु की ये टेंडेंसी है कि वो केंद्रीय परमाणु से जुड़े। ऐसा करने के लिए ही अन्य परमाणु केंद्रीय परमाणु के चारों ओर व्यवस्थित होते हैं। अभी क्या करते हैं कि प्रत्येक तत्व के ऊपर उसके उसका लुईस प्रतीक लिख लेते हैं, अर्थात बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लिख लेते हैं। अब हाइड्रोजन की संयोजकता एक है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। इस हाइड्रोजन की भी संयोजकता एक है, तो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। इधर भी वही स्थिति है, प्रत्येक जगह वही स्थिति है। क्लियर हो चुका है? अब चूंकि कार्बन और प्रत्येक कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, तो एकल बंध बने। अगर किसी किन्हीं दो परमाणु के बीच एकल एक सहसंयोजी बंध है तो उसे एकल बंध, अगर दो बंध बनते हैं तो द्विबंध, तीन बंध बनते हैं तो त्रिकबंध। जैसे हम अगर ऑक्सीजन परमाणु ले, ऑक्सीजन अणु ले, बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शा देते हैं, प्रत्येक परमाणु का लुईस प्रतीक लिख दिया। अब प्रत्येक परमाणु अपनी संयोजकता के अनुसार साझा कर ले रहा है। अब चूंकि प्रत्येक परमाणु दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया है, तो कुछ ऐसे बंध बनेगा। यह लुईस संरचना। वही अगर नाइट्रोजन अणु ले, तो चूंकि नाइट्रोजन की संयोजकता तीन है, तो तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। एन ट्रिपल बॉन्डेड एन, कोई दिक्कत है यहां? तो यहां डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन और द्विक बंध है, और यहां पे कैसा बंध है? त्रिक बंध। और कुछ हम लोग संरचनाएं देख लेते हैं, जैसे HNO3, जैसे H2SO4, अब H2SO4 में आप देखें हाइड्रोजन की संयोजकता एक है, सल्फर की संयोजकता दो है, ऑक्सीजन की संयोजकता दो। जब संयोजकताएं दोनों बराबर हो जाएं, जैसे कि हम जानते हैं केंद्रीय परमाणु का चुनाव अधिक संयोजकता के आधार पर किया जाता है, लेकिन अगर दो परमाणु ऐसे हैं जिनकी संयोजकता बराबर है और उनकी अधिक भी अन्य तत्वों से, ऐसी स्थिति में उच्च आवर्त के तत्व को ही हम लोग केंद्रीय स्थिति में रखते हैं। तो सल्फर का उच्च आवर्त है
ऑक्सीजन की तुलना सल्फर केंद्र में है। सजगता के आधार पर सल्फर के बाद ऑक्सीजन की बात आएगी और ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन का। एक संयोजकता एक बंध, एक संयोजकता एक बंध, सल्फर की संयोजकता दो, ऐसी स्थिति है। इस तरह से सल्फर की सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब यह संरचना कहलाती है प्रसारित अष्टक संरचना। जबकि यह संरचना कहलाती है अष्टक संरचना। अष्टक संरचना से क्या आशय है? अब अष्टक संरचना का अगर हम लुईस बिंदु संरचना बनाए तो यह कुछ ऐसा है। हाइड्रोजन का कक्षक पूरा हो गया, ऑक्सीजन के बाएं कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस ऑक्सीजन के बाएं कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस ऑक्सीजन के बाएं कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 8 इलेक्ट्रॉन और सल्फर के बाएं कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब कुछ यहां पे आप ध्यान दें, सल्फर के बाएं कोश में 6 इलेक्ट्रॉन थे जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन परमाणु से, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन परमाणु से एकल बंध के द्वारा बन गया। लेकिन ऊपर के ऑक्सीजन और नीचे के ऑक्सीजन से एक विशेष प्रकार का साझा हुआ है और इस साझा में ऑक्सीजन परमाणु का कोई भी इलेक्ट्रॉन भाग नहीं ले रहा है, केवल सल्फर अणु का ही इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले रहा है। ऐसी स्थिति में जहां किन्हीं दो परमाणुओं में साझा केवल एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन ले रहा हो या किसी एक ही परमाणु का 2 इलेक्ट्रॉन साझे में भाग ले रहा हो, ऐसी स्थिति में जो बंध बनता है उसे उपसह संयोजक बंध कहते हैं। अब उपसह संयोजक बंध जब भी बनता है तो अष्टक संरचना का अनुपालन करने के लिए ही बनता है। अब आप यहां ध्यान दो तो आप पाओगे कि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे और है और 4 इलेक्ट्रॉन। सल्फर के बाएं कोश में 8, 2, 10 और 2, 12 इलेक्ट्रॉन आ गए। ऐसा कैसे संभव? ऐसा कैसे संभव कि सल्फर के बाएं कोश में 12 इलेक्ट्रॉन आ गए? बच्चों जानिए, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है और इसका बाएं कोश तीसरा है और चूंकि तीसरे का अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0, 1 और 2 संभव है। इसका मतलब तीसरे का d उपकोश भी संभव है और डी उपकोश में 10 इलेक्ट्रॉन, तीसरे के पी में 6 इलेक्ट्रॉन और तीसरे के यस में 2 इलेक्ट्रॉन, अर्थात तीसरे कोश में कुल मिलाकर के 18 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। इसलिए सल्फर ने अपने अष्टक का प्रसार करके 12 इलेक्ट्रॉन कुल कर लिया है। आवर्त संख्या 2 के तत्व अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 2D पॉसिबल नहीं है। 2D कक्षक न होने के कारण
दूसरे आवर्त के तत्व अपने अष्टक का प्रसार नहीं करते, अष्टक का प्रसार नहीं करते, और ये मुख्यतया इसीलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी इनमें ज्यादा होती है। जैसे इसको कुछ एक और उदाहरण से समझिए, जैसे हम एक ले लेते हैं HNO3, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, तो हमने नाइट्रोजन को रख लिया सैंपल में, उसके बाद ऑक्सीजन की बारी आती है, उसके बाद हाइड्रोजन की बारी आती है, हाइड्रोजन ने अपने पिक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, हो गया। अब आप ध्यान दो कि नाइट्रोजन की संयोजकता केवल 3 है, इसलिए वो मैक्सिमम 300 संयोजक बंद बना सकता है, लेकिन और दूसरे कोष में केवल 8 इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है। अगर यहां पर उसने ऑक्सीजन के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली, अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली क्या होगा, नाइट्रोजन के बाह्य कोष में 4, 6, 8, क्लियर, 4, 4, 8, 2, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं। इसलिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन से इस प्रकार बंद बनाता है कि नाइट्रोजन का ही इलेक्ट्रॉन पेयर सांझे में भाग ले, ऑक्सीजन का ही। ऐसे कंडीशन में वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, क्लियर, क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो ये था सह संयोजक बंध और उप सह संयोजक बंध के विषय में।